देशमा भाजपाको सरकार आउन साथ सम्पूर्ण 11 जात गोष्ठीलाई जनजातिको दर्जा दिने घोषणा भाजपाका राष्ट्रिय अध्यक्ष अमित शाहले गरेका छन्। लगभग 21 मिनटको आफ्नो सम्बोधन अवधि उनले पहाडेनी गोर्खाहरूको 3 दशकदेखिको सङ्घर्ष जित हुने अनि भाजपाले तृणमूललाई हराएरै छाड्ने दावी गरे। एनआरसी लागू गर्ने कुरालाई लिएर विरोध गरेको अनुप्रवेशकारीहरूको चिन्ता गर्ने ममता सरकारले अर्कोतिर गोर्खाहरूमाथि नै अत्याचार गरेर घर छोड्ने बाध्य बनाएको अनि उनीहरूको चिन्ता किन गर्दैनन् भन्ने प्रश्न पनि राखे। आफ्नो सम्बोधन अवधि उनले गोर्खाहरूको सुरक्षादेखि लिएर राष्ट्रिय सुरक्षाको मुद्दा पनि उठान गरेका थिए। मित्रों, मैं ये बताने के लिए आया हूं, ये पूरा बंगाल जो एक जमाने में शांति का संदेश देता था, विवेकानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बटुकेश्वर दास, रामकृष्ण परमहंस, रविंद्र ठाकुर और हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मभूमि बंगाल को ममता दीदी ने आज लूट खसोट का केंद्र बनाकर रख दिया है। बंगाल की जनता अब यहां परिवर्तन के लिए तैयार। मित्रों, आज मैं आपको ये कहने जब आया हूं तब इतना ही कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में चट्टान की तरह आपके साथ खड़ी है। हमने हमारा घोषणा पत्र घोषित किया है और घोषणा पत्र घोषित करने के अंदर हमने कहा है कि जो गोरखा उपजातियां बची है दूसरी बार मोदी सरकार बनने के साथ ही वो सभी की सभी गोरखा उपजातियों को हिंदुस्तान भर में ट्राइबल का आदिवासी का स्टेटस देने का काम भारतीय जनता पार्टी ये दिल्ली लगाती है। एनआरसी से गोरखाओं को आपत्ति आती है, मैं स्पष्ट करने आया हूं, मुझसे भी सवाया कोई हिंदुस्तानी है, मुझसे भी अधिक कोई हिंदुस्तानी है तो मेरा गोरखा भाई है, इसको कभी देश के बाहर कोई नहीं कर सकता। सैकड़ों हिंदुओं के अंदर वीरता के साथ लड़कर मां भारती के लिए खून बहाने वाली ये वीर पराक्रमी गोरखा जाति को कौन विदेशी कह सकता है। ममता दीदी, आप मत भड़काइए इनको। हम कहना मैं कहना चाहता हूं, हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लेकर आए हैं, गोरखाओं तो डरने की जरूरत जरा भी नहीं है। इसके अलावे भी जितने हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन और क्रिश्चियन आसपास के देश से आए हैं वो शरणार्थी है, सबको इस देश की नागरिकता देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने। दीदी, आपकी इच्छा नहीं है कि गोरखा भाइयों को, शरणार्थी हिंदू भाइयों को, शरणार्थी माइनॉरिटी को नागरिकता मिले। इसलिए जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आया आपने राज्यसभा में इसका विरोध किया, मगर आपका विरोध अब बहुत चलने वाला नहीं। 2020 में राज्यसभा में भी भाजपा का बहुमत होने जा रहा है। दीदी, काम छोड़ देती। मैं पूछना चाहता हूं ममता दीदी को, आप कह तो रही हो कि गठबंधन को वोट दो, गठबंधन को वोट दो, गठबंधन को वोट दो, आपका गठबंधन किसके पास है, किसके साथ है? कांग्रेस भी आपके खिलाफ लड़ रही है, कम्युनिस्ट भी आपसे परेशान है, ममता जी के साथ कोई खड़ा रहने को तैयार नहीं। मित्रों, इनका ना नेता है, ना नीति है, ना सिद्धांत है, ये देश का भला कर सकते हैं क्या? जरा जोर से बोलो, कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं क्या? ये केवल और केवल भ्रष्टाचार करने के लिए सत्ता चाहते हैं, भ्रष्टाचार करने के लिए सत्ता चाहते हैं, जातिवाद और परिवारवाद के लिए चलता चाहते हैं। मित्रों, चाय बागान के मजदूरों के लिए श्रम योगी मानधन योजना, 60 साल की उम्र के बाद
हर मजदूर को 3,000 रुपया पेंशन देने की घोषणा भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी। असम में हमारी सरकार बनी, असम में भी चाय बगान है, वहां असम की सरकार ने 2,500-2,500 रुपया दो बार हर बैंक अकाउंट में जमा कर चाय बगान वालों को मदद करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मैं पूछना चाहता हूं ममता दीदी को, आपने चाय बगान के मजदूरों के लिए क्या किया, इसका हिसाब दो। हर चाय बगान के मजदूर की बहन जो गर्भवती होती है उसको 12,000 रुपया आसाम की सरकार देती है। बंगाल में कुछ मिलता है भैया, बताओ जरा, मिलता है, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? ममता दी की सरकार नहीं देगी। एक बार नरेंद्र मोदी को 23 सीटें बंगाल में से दे दो, हम ही करेंगे। 20,000 से ज्यादा चाय बगान वाले को असम सरकार ने स्मार्टफोन दिया, उनके बैंक अकाउंट खुला दिए, इनकी मजदूरी सीधी अब बैंक अकाउंट में जमा होती है, बीच में कोई बिचौलिया अब उनका कमीशन नहीं ले जाता है। ऐसी व्यवस्था बंगाल में होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? जरा जोर से बोलो, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? हर चाय बागान वाले को अगली सरकार बनने के बाद 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार उठाने वाली है। नरेंद्र मोदी मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने पश्चिम बंगाल के विकास के लिए बहुत सारे काम किए, मगर ममता बनर्जी की सरकार ने, टीएमसी की सरकार ने बंगाल को बम धमाकों की गूंज के अंदर चुप कर दिया। हर जगह उनकी सिंडिकेट, हर जगह माफिया, गौ तस्करी, अफीम और नार्कोटिक्स की तस्करी, घुसपैठ कराना, देश विरोधी तत्वों को अपना पीठ पर हाथ रखना और राष्ट्रप्रेमी गोरखाओं को परेशान करना, यही बंगाल की मुख्यमंत्री का काम है, यही बंगाल की मुख्यमंत्री का काम। मित्रों, अभी अभी तृणमूल कांग्रेस के पुलिस वालों ने ढेर सारा गोलीबार कर हमारे दो कार्यकर्ताओं को मार देने का काम किया था। बंगाल के अंदर 60 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या करने का काम तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने। ममता दीदी आप क्या मानती हैं, निर्दोष गोरखाओं पर अत्याचार कर भाजपा के कार्यकर्ताओं की हत्या कर आप बंगाल की आवाज को दबा दोगी? आप दबा नहीं पाओगी। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, अन्याय के सामने लड़ना हमारा स्वभाव है, हम अंत तक ये लड़ाई लड़कर आपको हरा कर रहेंगे। मित्रों, बंगाल के पूरे जिस प्रकार से लूट चल रही है इसके बारे में मैं ज्यादा बताना नहीं चाहता, मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि बंगाल के अंदर दुर्गा पूजा ठीक से न मना पाए, सरस्वती पूजा न कर पाए, राम जन्म नवमी के उत्सव पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, इस प्रकार का बंगाल आप चाहते हैं क्या? चाहते हैं क्या? चाहते हैं क्या? अब यहां अगर परिवर्तन करना है तो हमारे नेता राजू बिष्ट को, राजू आ गया हो जरा, राजू बिष्ट को प्रचंड बहुमत मिला। हमने राजू को इसलिए टिकट दिया है, ये मैनेजमेंट का भी एक्सपर्ट है और मूल नेपाली है, आप लोगों के साथ दूध में शक्कर की तरह घुल मिल जाएगा, इसलिए राजू को यहाँ पर भेजा। कश्मीर के अंदर चुनाव चल रहा है, कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों साथ चुनाव लड़े। अभी ममता जी ने भी सारे विपक्ष को बुलाया तो उमर अब्दुल्ला आए, अभी उमर अब्दुल्ला ने कहा कश्मीर के अंदर दूसरा प्रधानमंत्री बनना चाहिए।
मित्रों एक देश में दो प्रधानमंत्री बन सकते हैं क्या? बन सकते हैं क्या? ये इसलिए कहते हैं कि कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग करना चाहते हैं। इस मंच पर से मैं ममता दी को पूछना चाहता हूं, ममता दीदी आप बताइए उमर अब्दुल्ला के बयान के साथ आप सहमत हो या नहीं? बताना चाहिए ना भाई। अरे ममता दीदी जो करे वो करे, मैं बता देता हूं। ये कहते हैं कि भारत के अंदर 370 की धारा रहनी चाहिए। मुझे बताओ कश्मीर में से 370 की धारा हटानी चाहिए या नहीं हटानी चाहिए? जोर से बोलो जरा, हटानी चाहिए या नहीं हटानी चाहिए? मोदी जी ने तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, कश्मीर से धारा 370 को हटा देंगे। हमने एनआरसी इसलिए लाए हैं कि घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालो। ये ममता दी एनआरसी का विरोध कर रहे, वो कह रही है वो कहां जाएंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? क्यों ममता दी, इनकी चिंता हो रही है और 6000 परिवार आपके अत्याचार के कारण पहाड़ से बाहर जाकर आज रह रहे, इनकी चिंता नहीं हो रही आपको? तो घुसपैठियों की चिंता हो रही है। मगर मैं बता देता हूं, हमने हमारे घोषणा पत्र के अंदर वादा किया है कि दोबारा नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद देश भर के अंदर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स बनाया जाएगा और एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और जितने भी हिंदू और बौद्ध शरणार्थी आए हैं, सारों को ढूंढ ढूंढ कर भारत की नागरिकता देकर यहाँ के बासिंदे बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार।